नमस्कार दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब किया होगा और लाइक भी किया होगा। अनमोल वचन व्यर्थ न करें। दोस्तों, ये किस्सा है एक गांव का, जहां पर लोग बड़े ही उत्साहित हैं जानकारियों के लिए, और अलग अलग जानकारी पाने के लिए वो हमेशा उत्साहित रहते हैं। कहीं से कोई उन्हें कोई चीज मिल जाए, किसी चीज की जानकारी हो। ऐसे ही वहां के सरपंच हमेशा सप्ताह दो सप्ताह में एक ज्ञानी व्यक्ति को बुलाकर प्रवचन किया करते थे। इस बार उन्होंने एक ज्ञानी विद्वान को बुलाया तो वो उनके गांव में आके प्रवचन दे और उनके गांव के लोगों को समझाएं, ऊंच नीच के बारे में बताएं। तो उस सप्ताह वो ज्ञानी पुरुष वहां पर आते हैं। वही प्रवचन शुरू होने के पहले वो ज्ञानी पुरुष आकर अपनी गद्दी पर बैठते हैं, विराजमान होते हैं और गांव की भोली वाली जनता से पूछते हैं कि जो मैं आप लोगों को कहने आया हूं वो आपको मालूम है? तो भोली वाली जनता है, वो सीधा उनकी बात का जवाब दे देती है, नहीं हमें कुछ मालूम नहीं। वो ज्ञानी पुरुष एकदम से भड़क जाते हैं, जब तुम्हें कुछ पता ही नहीं है तो मैं क्या मूर्खों में आया हूं, किस लिए आया हूं मैं यहां पर? वो एकदम से भड़कते हैं और वहां से निकल जाते हैं। सरपंच उनके पीछे पीछे भागते हुए जाते हैं, उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो नहीं समझते। फिर भी किसी तरह से वो उन्हें मना लेते हैं और वो दूसरे दिन आने को तैयार हो जाते हैं। फिर दूसरा दिन आता है, दूसरा दिन वापस से वो ज्ञानी पुरुष आते हैं और अपनी गद्दी पर विराजमान होते हैं और फिर आकर वही सवाल, क्या मैं आप लोगों को जो बताने आया हूं आप लोग जानते हैं मैं क्या बताने आया हूं, क्या कहने आया हूं? तो भोली भाली जनता एक दूसरे को देखने लगती है, वो सरपंच को भी देखती है और देखते ही देखते अचानक आपस में एक दूसरे को देखते हुए ज्ञानी व्यक्ति से बोलते हो, नहीं हम जानते हैं आप क्या कहना चाहते हैं और क्या बताने आए हैं। वो ज्ञानी व्यक्ति फिर से क्रोधित हो जाते हैं, जब आप लोग जानते हैं कि मैं यहां पे क्या कहने आया हूं क्या बताने आया हूं तो मेरा यहां आना व्यर्थ है, क्या मुझे बेवकूफ समझते हैं आप लोग? और वो गुस्सा होते हैं वहां से चले जाते हैं। सरपंच फिर उनके पीछे भागते हैं, बड़ी मिन्नतें करके उनको मनाते हैं। वो फिर वापस बोलते हैं, ठीक है मैं कल आता हूं लेकिन लास्ट बार। सरपंच उनके हाथ जोड़ते हैं, पैर पड़ते हैं, मैं आपके पैर पड़ता हूं आप पधारे। तीसरे दिन फिर वापस से ज्ञानी पुरुष वहां पर आते हैं। गांव की जनता बहुत ही निराश, आज पता नहीं क्या होगा, क्या कहेंगे। वो वापस से वही सवाल कहते हैं, क्या मैं जो तुम्हें बताने आया हूं जो कहने आया हूं क्या आप उस जानते हैं? सभी लोग एक दूसरे को देखने लगते हैं, सरपंच को भी देखते हैं, उनके कुछ समझ में नहीं आता। वो वापस से वही सवाल करते हैं, सभी एक दूसरे को देखते हुए वहां से खड़े होते हैं और वो पूरा पांडाल खाली हो जाता है देखते ही देखते। वो ज्ञानी पुरुष देखते रह जाते हैं तो वो किसी एक बंदे को रोकते हैं जिसमें से सरपंच रुकते हैं। वो पूछते हैं कि क्या क्या हुआ, मेरी बात का उत्तर नहीं दिया। कि नहीं महात्मन, आप बहुत ज्ञानी हैं, बहुत गुणी हैं, हम तो गंवार आदमी हैं, हम आपकी विचारों को समझ नहीं पा रहे, हम आपको समझ नहीं पा रहे, हम क्या कहें क्या बोलें, आप जैसे ज्ञानी आदमी के सामने हम गंवारों का कोई भी महत्व नहीं है, इसलिए हम आपको राम राम करते हैं। वो पूरा गांव वहां पर पांडाल से खाली हो जाता है और वो ज्ञानी पुरुष अपने घमंड में वहां पर मुंह लटकाए खड़ा रहता है। अपने ज्ञान का भंडार इस तरीके से मत बांटिए दोस्तों, एक सोच एक समझ एक दायरा अपने पास रखिए, दूसरों को समझने की शक्ति रखिए। नमस्कार, जय हिंदुस्तान, जय भारत।